Hi friends, Namaste, Jai. I'm Sneha. Welcome back to my channel. आज हम बना रहे हैं डेजर्ट. डेजर्ट में खास क्या है, ये डेजर्ट जो है वो बहुत ही लाइट बनता है. कभी कभी हम थ्री कोर्स मेनू बनाते हैं तो उसमें मेन मेनू जो होता है वो काफ़ी हैवी होता है, तो थोड़ा सा लाइट डेजर्ट हम ये सर्व कर सकते हैं. और ऐसे भी आपके अगर घर पे गेस्ट आ रहे हैं तो आप बना कर रख सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. सो गाइस, इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, ये मल्टीग्रेन बिस्किट जो आते हैं उसको मैंने पाउडर फॉर्म में लिया हुआ है, इसको मैंने मिक्सी में पीस लिया है. ये मलाई है जो घर की अपनी क्रीम होती है, मलाई जो दूध में से निकलते हैं ये वही है. बटर, शुगर, चॉकलेट स्प्रेड एंड चेरी. इसके लिए सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, उसमें हम ये बिस्किट जो लिया है मैंने, मल्टीग्रेन है ये. आप चाहे तो दूसरे बिस्किट भी ले सकते हैं, प्लेन बिस्किट भी ले सकते हैं, या फिर कभी कभी क्या होता है कि घर में बिस्किट्स भी बचे होते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन क्रीम वाले मत डालिएगा इसके अंदर. सिर्फ बिस्किट्स होने चाहिए, क्रीम नहीं चाहिए हमें. इसके अंदर हम 2 to 3 टेबलस्पून बटर ले रहे हैं. अभी मैंने 3 टेबलस्पून लिया है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और डालूँगी. इसको पहले हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं. इसका एक क्रम्बल जैसा हो जाना चाहिए, उतना हमें इसमें बटर लेना है. अभी मुझे थोड़ा कम लग रहा है तो मैं 1 टेबलस्पून इसमें और बटर डाल रही हूँ. टोटल हमने इसमें 4 टेबलस्पून बटर लिया हुआ है जो मेल्टेड है. मेल्टेड बटर ही हमें लेना है इसके अंदर. ये देखिए फ्रेंड्स, अभी ये हमारा रेडी है. इसको मैं ऐसे प्रेस कर रहे हैं तो ये देखिए ऐसे प्रेस हो रहा है, ऐसा हमें चाहिए. अब हम क्रीम रेडी करेंगे. ये मैंने 1 कप मलाई ली हुई है, जो फ्रेश मलाई होती है हमारे घर में, जो दूध की मलाई निकलती है ये वही है. इसके अंदर हम पाउडर शुगर ले रहे हैं 2 टेबलस्पून. आप चाहे तो आइसिंग शुगर भी ले सकते हैं, लेकिन ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो घर में अवेलेबल होते हैं मैं उसी से बना रही हूँ, तो पाउडर शुगर मैंने ली हुई है. अब हम इसको व्हिप करेंगे. सो फ्रेंड्स, आफ्टर 2 मिनट्स ये ऐसा थिक हो जाएगा. हमें इसको ज़्यादा थिक नहीं करना है, हमें ऐसा पोरिंग ही चाहिए. मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए ऐसा चाहिए हमें, ताकि हम उसको अरेंज कर सके, सेट कर सके. ज़्यादा अधिक कर देंगे तो फिर वो सेट होने में उसको हम अच्छे से लेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें लेयर चाहिए होते हैं, इसलिए इसको हमें इतना ही व्हिप करेंगे. और अब ये चॉकलेट स्प्रेड है, ये थोड़ा मुझे थिक लग रहा है तो मैं इसको 30 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव करती हूँ, और उसके बाद मैं इसको पाइपिंग बैग में भरूंगी ताकि हमें इसको स्प्रेड करने में आसानी हो. ये देखिए फ्रेंड्स, ये माइक्रो करने के बाद ये थोड़ा सा ऐसा लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, ताकि हम इसको अच्छे से स्प्रेड कर सकें. अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो फिर डबल बॉयलर में आप इसको थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, तो ये ऐसा हो जाएगा. अब हम इसको ये पाइपिंग बैग में भर लेते हैं. इसकी कोई हमें पैटर्न या डिज़ाइन नहीं बनानी, सिर्फ उनको उस पर स्प्रेड करने में इजी रहे, इसलिए मैं इसमें भर रही हूँ. आप ऐसे चम्मच से भी कर सकते हैं. फ्रेंड्स, इसको मैं इसे ऐसे कप में अरेंज कर रही हूँ. आप चाहे तो थोड़े जो शॉर्ट्स ग्लास आते हैं उसमें भी कर सकते हैं, या तो फिर आप एक बड़े से बाउल में भी असेंबल कर सकते हैं, या फिर डिस्पोजेबल कप भी और ग्लास भी आजकल बहुत मार्केट में अवेलेबल है. आपका जिसमें भी मन हो उसमें आप कर सकते हैं. सबसे पहले हमने जो ये बिस्किट का बनाया हुआ है वो हम नीचे लेंगे. इसको मैं अच्छे से स्प्रेड करके कर देना है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, अच्छे से हमें इसको सिर्फ अरेंज कर देना है. एक लेस हमारा ये दिखना चाहिए.
सो फ्रेंड्स, इसमें मैंने बिस्किट वाला पार्ट जो है वो इसमें अरेंज कर लिया है। अब हम इस पर ये जो क्रीम हमने रेडी किया है, जो मलाई से अपने, वो हम इस पर अरेंज करेंगे। अभी मैं एक एक स्पून ले रही हूँ इसमें। इसको हम इस पर अच्छे से पहले फैला देंगे। ये मैंने अभी ये सारे इसमें वाइट लेस कर लिए। अब हम ऊपर चॉकलेट स्प्रेड जो हमने पाइपिंग बैग में भर के रखी है उसका लेस करेंगे। ऐसे साइड से हम शुरू करेंगे, फिर मीटर लगाएंगे। इस तरह से हमें स्पून से इसको अच्छे से स्प्रेड कर देना है। सारे में हम इसको अच्छे से स्प्रेड करेंगे। ये देखिए, ये भी हमारा हो गया है। इसको हम ऐसे थोड़ा सा हिलाएंगे तो ये लेवल में आ जाएगा। और इसको भी हमें आधे घंटे के लिए फ्रीज में छोड़ देना है। उसके बाद हम इसको गार्निश करेंगे। फिर हाफ एन आवर्स मैंने इसको फ्रीज में से निकाल लिया है। अब देख रहे हैं इसके कितने अच्छे लेयर्स भी दिख रहे हैं, और ये हमारा अभी सेट भी हो गया है। अब हम इसको गार्निश कर देंगे। ये व्हीप क्रीम है। ये व्हीप क्रीम मतलब जो क्रीम हमने लिया था, जो मलाई घर की है, उसी को मैंने थोड़ा सा ज़्यादा व्हीप कर लिया था और पाइपिंग बैग में भर लिया है। और इसके ऊपर हम एक एक चेरी रख देंगे। ये मेरे पास कुछ वेफर बिस्किट्स हैं, मैं वो भी इसमें ले रही हूँ। आप जैसे चाहे इसको आप गार्निश कर सकते हो। रेडी है हमारा यम्मी टेस्टी इजी लेयर डेजर्ट। हमारा डेजर्ट रेडी है और मैं भी रेडी हूँ स्पून के साथ इसको खाने के लिए। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल बने हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन ऑन के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।